जिहड़ा ये दीपक वर्गा मन चंचल इहनू जदों लोह हो जांदा है प्रकाश नाम दे सरवण करके तां इह ताल पा ताल सरूप दा ज्ञान प्राप्त कर लैंदा। उस वक्त सरूप दा ज्ञान प्राप्त करने करके असल विच इह सारी चीज़ नूं समझण दी लोड़ है। आपां पहलां वी इह बहुत सुण लिया सरूप दा ज्ञान कै सरूप गीत गावै कै सरूप ध्यान लावै पहलां वी सुणिया आपां ने। जड़ा अपने हिरदे च अंदर सरूप अपना जदों तक वह सरूप का ज्ञान नहीं हुंदा उदों तक चंचल मन टिकदा नहीं। शुरू विच अंदर झाकदे हो कुछ नहीं नज़र आउंदा फिर मन काला पैंदा फिर अखां खोल लई दियां पर नहीं अद अखां बंद करो तो अपने अंदर नूं देखो हिरदे च हिरदे च देखते हुए वाहेगुरु 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 करी जाओ करी जाओ करी जाओ करद्या करद्या कदे ना कदे तो अंदर स्वरूप नज़र आ जाता अपना असली स्वरूप अंदरों दिखता फिर मन का एकाग्रता टिकाओ सब कुछ बन जाता। सुनया पोह न सकै काल काल मौत जमदूत धर्म राजा ये सारे प्रकार की चीज़ा पोह नहीं सकदियां देख नहीं सकदियां अपने वल इन्हां दा कोई प्रभाव नहीं पैंदा क्योंकि जिहड़ा बंदा नाम श्रवण करन लग जावे मूल मंत्र गुरबाणी कीर्तन कथा श्रवण करन लग जांदा है जिदे कन्ना विच पैन लग जाए गुरबाणी जेड़ा कहे भी मैं होर कुछ नहीं सुनना मैनू होर कुछ चंगा ही नहीं लगता जेड़ा गुरबाणी 24 घंटे सुनदा ही रहिंदा है। महाराज कहिंदे नानक भगतां सदा विगास उन्हां गुरमुखां नूं सदा ही विगास खेड़ा बन जांदा हिरदे दे विच श्रवण करन नाल खिड़दा है। कोई बंदा मुरझाया बैठा दिल सिट के बैठा बड़ा करजाए किसी भी गलों किसी बंदे ने आके उन्हें कहा तेरा सारा कर्जा माफ हो गया एकदम खिड़ गया हो अच्छा खुश हो जाता मुरझाया बैठा पता नहीं की होएगा कोई आके अच्छी गल सुना खिड़ जाता क्योंकि सुनने वाली बंदा मुरझाता सुनने वाली खिड़ता है। जदों आप माड़िया गल् सुनते हैं तो अपना मन मुरझा जाता है। जदों आपां नाम नूं सरवण करने हैं क्योंकि नाम खुराक है अपनी रोटियां तो बहुत खाधियां जिंदगी शरीर की खुराक तो बड़ी खा ली दुध बड़े पीते होर बड़िया चीज़ां खाधियां शरीर वास्ते पर आत्मक तौर पर आत्मक बलवान नहीं है आत्मा कमजोर हो गई अंदरों मन कमजोर हो गया क्योंकि मन ने सरवण नहीं किया है। इस करके श्रवण करना बड़ा जरूरी है। श्रवण तो ही सारा कुछ चलता है। कई आके कहणगे मैं कथा सीखनी है मेरा यही जवाब होंदा कि श्रवण कर कथा सीधी नहीं सीखी जाती। पहला असी 10 साल तक कथा सिर्फ सुनी है कीती नहीं है कदे सुनी गए सुनी गए सुनी गए उन्हों अंदर वसाउंदे गए वसाउंदे गए वसाउंदे गए जदों पूरा अंदर 10 सालों च भर गया तो वह बाहर कढ़नी शुरू कर ली। हुण पहलां ना सुनद्या सुनद्या नूं अंदर नूं वसाओ इहदा भाव की है कितनी मेहनत करन तो बाद फिर इसे प्रकार वाहिगुरु अंदर कन्ना नूं सुनाई जाओ सुनाई जाओ सुनाई जाओ खूह विच रस्सा उन्ना देर तक लमकाउंदे रहीदा जद तक डोल पानी नूं टच नहीं हो जांदा जाके जदों अपना डोल पानी नूं टच हो गया जाके उत्थों पानी भर लिया जद तक अंदर जिथे नाम वसिया होया है जिथे हिरदे च प्रकाश है जद तक उत्थे बाहरों नाम नूं नहीं भेजदे उदों तक अंदरला नाम प्रकाशमान नहीं हुंदा। महाराज कहिंदे नानक भगतां सदा विगास किवें कहिंदे सुणिया दुख पाप का नास कहने देखो भाई नाम नूं कन्ना नाल सुनी जाओ दुख ते पाप सारे ही निवृत्त करके फिर हुंदा है विगास। दुखां ते पापां करके मूँह मुरझा जांदा है दुखी होया चेहरा दुखी हिरदे लिखणगे दुखी हिरदे वो दुखी हिरदे तां ने कहिंदा नाम नहीं सुनिया नहीं तां सिख तां खिड़िया ही रहिंदा
सिख तो देगे च भी खिड़िया हुंदा, सिख तो बंद बंद कटवाउंदा भी खिड़िया रहिंदा। भाई तैनू कि खुशी हुई बंद बंद कटवाउण की, कहदी खुशी हो गई तैनू? वो कहने जलाद नू, कहने तैनू नहीं पता इन्हां गल्लां दा, तू हैगा जलाद बंदियां नू कट्टण वाला, ते मैनू बस खुशी है, बस तू कट मेरा अंग अंग कट। आप श्री सुखमनी साहब का पाठ करने, ये सारी श्रवण नाल ही शक्ति आउंदी, जिन्नी शक्ति आउंदी है सुन नाल आउंदी। इस करके जेकर अपने पंथ की चढ़ती कला चाहते हैं, जे सारा पंथ ही कथा च बैठा होवे सवेरे, बड़ी संगत होनी चाहिए है, जिथे भी कथा होंगी, जिथे भी कीर्तन होंदा, सारा पंथ ही सुनता होवे, मजाल की है पंथ डाउन हो जाए अपना, न थले चलिया जाए, पंथ की चढ़ती कला हो जाएगी। पंथ की चढ़ती कला ऊँ तो सारे चाहते ने, पर कथा कीर्तन च कोई नहीं बहना चाहता, कोई सिमरन नहीं करना चाहता, ओदा आखे पंथ की चढ़ती कला हो जाए, यह उदा तो किसी की होनी नहीं चढ़ती कला। ए नाले महाराज का कोई यह धर्म है जा नहीं गा भी एवं बहर बैठ के तो आखो भी चढ़ती कला हो जाए। सतगुरु कहते जब तक सत संगत विच नहीं बैठदा उदों तक तेरी चढ़ती कला नहीं होनी, क्योंकि इतों ही मोर वजनी है विच संगत हर प्रभ वसै जीओ, संगत विच ही वाहेगुरु बैठे ने, ते वाहेगुरु ने इतों ही कृपा करके तोरना तैनू। जे बाहर बैठा रहा दूर दुराडे कहते सुनिया ही नहीं आके, तो फिर कृपा किवें होवेगी? इस करके महाराज कहने नाम की महिमा देखो भाई, सारिया नालों वड्डा कर्म ये करो कि गावी है सुनिया मन रखी है भाओ, दुख पर हर सुख कर लै जाए, सुनिया मनिया मन कीता भाओ, अंतरगा तीर्थ मल नहाओ। सुनो जिन्नी बाणी आप पढ़ो ओनी सुनो, सिमरन जिन्ना करो ओना सुनो, कथा कीर्तन सुनो, सुनते 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 ही तुसीं एक दिन ब्रह्म दे विच लीन हो जाओगे। तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा नहूं, आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू। वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु। एक नाम सिमरन करने वेले प्रयोजन बना लो अपना, भी जेड़ा मैं मूंह नाल वाहेगुरु कहना है ये प्रयोजन है मेरा, भी मेरे कान मैं अपने कन्ना नूं सुनाउण वास्ते मूंह नाल बोलदा बस, की कादे लई भी तू वाहेगुरु वाहेगुरु करदा, मैं अपने कन्ना नूं सुना रहा बस, ये अपना प्रयोजन है। जदों आपां इस चीज़ नूं देख लिया ना भी मैं मूंह नाल वाहेगुरु कहना ते कादे लई कहना, कन्ना नाल सुनण लई, बस इसे विच अपनी सफलता दा राज है वड्डा। वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु सत नाम वाहे गुरु। करता पुरख वाहे गुरु निरपाह वाहे गुरु। निरवैर वाहे गुरु अकाल मूरत वाहे गुरु।
अजूनी सह पंग वाहे गुरु गुर प्रसाद वाहे गुरु जप आद सच वाहे गुरु जुगाद सच वाहे गुरु हैपी सच वाहे गुरु नानक हो सी पी सच वाहे गुरु 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 सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया तरत तवल आकाश सुनया सिद्ध पीर सुनया दीप लो पाताल सुनया पोह न सकै काल नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास नानक भगता सदा विगास वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतगुरु गुरु नानक देव जी भी आपां नूं कहिंदे नाम नूं जपो मूंह नाल ते सुनो कन्नां दे नाल सुनया ईसर वर्मा इंद हुण नाम दा श्रवण करना नाम दे श्रवण करके ही सारा कुछ पता लगता पहला तो सधारण सुनिया है कदे सुनिया सुनिया कदे ईसर ब्रह्मा इंद आम बंदे ने सुनी नहीं हुंदा कई बारी सो ईसर बारे सुनते ही पता लगता है कि वह शिवजी है सप्पां दी माला गल च पाउंदा सिर ते जूड़ा करदा चंद्रमा सुआह मलदा सो अक धूरा खाँदा राती वासा मड़ी मसाणी रात नूं मड़ी मसाणी वासा करदा ऐसियां चीज़ां सुनते ही पता लगदियां ने वर्मा कौन है चार मूँह लगे हुए ने चार बाहवां लगियां हुईयां ने सुन के ही पता लगता ब्रह्मा कौन है की काम करदा सृष्टि नूं बनाउंदा ईश्वर की करदा ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਹੀ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ ਜੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੰਦ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਇੰਦ ਵੈਸੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਾਚਕ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁਣਨਾ इतिहास के चंद्रमा किहदा पुत्र है चंद्रमा का पुत्र कौन है इंद्र कौन है इंद्र बनता किवें है ये सारिया चीज़ों का ज्ञान जेड़ा ना ये सुन के ही पता लगता है शास्त्र सिमरतियां वेद लोग सुनते ने हुण जदों आपां इस चीज़ नूं जाके देखिए ईश्वर शिवजी नूं पुछिए कि तुसी इस पदवी तक किवें आए हो तां शिवजी कहण लगे मैं श्रवण कीता परमेश्वर दे नाम शिवजी कि एक नहीं है कालपुरखी देह मो कोटक विष्ण महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते राक्षस करोर जलेस एदा एक पदवी है तुसी प्राप्त कर लो तुसी शिवजी बन जाओ पर गुरसिख नहीं ना चाहता इस पासे जाना
राज ना चाहो मुक्त ना चाहो मन प्रीत चरण कमलारे। ये तो एक पदवी है, पदवी जिन्हों मर्जी परमेश्वर दे सकते ने। इस करके महाराज कहते नाम दे श्रवण करके ही ईश्वर बनया, नाम दे श्रवण करके ही ब्रह्मा बनया। पहला ब्रह्मा ने 10 लाख वरा तप किया देवी का, देवी प्रगट हो गई, वर मंग कहते मैनू सृष्टि के रचण का बल बख्शो, कहते वो तो नहीं मैं दे सकती, और जो मर्जी मंग ला। फिर कह लगे मैं दसो उपाय, कहते परमेश्वर का तप कर, परमेश्वर की भगती कर, हौली हौली उच्चारण कर, ओंकार ओंकार कन्ना नाल सुनी जैन श्रवण कर। फिर परमेश्वर तेनों आकाशवाणी राही पुछणगे, सीधे नहीं मिलते हैं। फिर परमेश्वर ने पूछया ब्रह्मा नूं 10 लाख साल तक तपस्या करन तो बाद फिर जाके सृष्टि दे रचण की शक्ति दित्ती अकाल पुरख। एक इंद्र नामे ब्राह्मण होया, उहदे 10 लड़के सी, उह कहण लगे पिता जी ये ब्रह्मा विच इन्नी शक्ति किवें आ गई? कहिंदे नाम जप के आई, नाम श्रवण करके आए। फिर पिता जी असी भी ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मण है, असी भी बन सकते हैं ब्रह्मा? कहते हाँ, नाम जप के वह बने, तुसी नाम जप लो। वो ज्यों बैठे नाम जपण, किन्ने किन्ने हजारां साल तपस्या कर दिती। परमेश्वर ने खुश होकर पूछा बच्चा की चाहते हो? कहते महाराज सानू भी ब्रह्मा की पदवी दे दो, असी भी सृष्टि रचनी है। तथास्तु हो गया उस वक्त। कहन लगे इस तरह ही हो जाएगा, लो तुसी भी सृष्टि रचिया करो। ब्रह्मा दी जिहड़ी है वो पदवी है एक, जिहड़ी कि नाम सिमरन करन दे नाल मिल सकती है। नौकरी है, नौकरी तो अनपढ़ नूं भी मिल जाती है, भांडे धोण दी जां कपड़ा चक चक फड़ाई जां कपड़े वाली दुकान ते। नौकरी नौकरी 10 पड़े नूं मिलदी है, 12 पड़े नूं मिलदी है। नौकरी तां जिन्हां ने बहुत उच्चियां विद्यावां प्राप्त कीतियां ने, 50-50 हज़ार रुपया बाहरले देशां च, वो बंदे 50-50 लख भी कमाउंदे ने। एक तपस्या है, उस अवस्था तक की तपस्या करन तों बाद इउं तां परमेश्वर 40 दिन च मिल जांदे कलयुग च, पर बापू नूं 4 युग बहण दी की लोड़ सी? हेमकुंड साहब वह फिर वक्खो वक्खरे कारजां लई तपस्या है, जिन्नी कु लोड़ आ उन्नी कु तपस्या करदे ने। द्वैत एक रूप होए गयो दी तपस्या कीती उहनां ने। सो तां महाराज कहिंदे ने नाम दे श्रवण करके ही ब्रह्मा दी पदवी तक जीव पहुँच जांदा। इंद्र देवता भी श्रवण दी महिमा नूं ही करके ठीक होया, क्योंकि इहनूं भी बहुत वड्डी बीमारी पै गई सी कोई। फिर 100 साल तक कहने ब्रह्मा की सेवा करके नाम नूं श्रवण किया तो इहदी बीमारी दूर हुई। इस प्रकार इंद जिहड़ा चंद्रमा है, चंद्रमा भी नाम नूं ही श्रवण करता है। चंद्रमा जां सूरज यह भी नाम नूं ही श्रवण करके ही बने ने। हरेक चीज़ नाम श्रवण करके ही बनती है, नाम का ही जाप करते ने। इन्हां विचों भी आवाज़ आउंदी रहिंदी है नाम की, वह सुनते अभ्यासियों ब्रह्म ज्ञानियों। जो बोलत है मृग मीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं हो, धरत पाताल आकाश है मेरी जिंदड़ीए, सब हर हर नाम ते आवै राम। सारे कहते हैं सोदर दे विच सारयां दा ही नाम आ गया। तो जे महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे इह ईश्वर ब्रह्मा इंद्र की पदवी नाम के श्रवण करके ही मिल सकती है, तो तुसी भी नाम श्रवण करके जो मर्जी मंग सकते हो परमेश्वर के पासों। हुण इन्हां दे कोल जाके जे पुछो ईश्वर ब्रह्मा इंद्र दे कोल, ते असी परमेश्वर की प्राप्ति करनी है, ये कहिंदे ने सारयां नालों पहला साधन है ही श्रवण। सूई दे विच धागा सारे नाल पहला नक्के विचरी लंघदा, तो जिन्ना मर्जी फिर उन्हों मशीन नूं तुसी चलाई जाओ सियाउता, जे धागा नक्के विचरी ना कढ़िया
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਗਾ ਕੱਢਣਾ ਕਿਹੜਾ, ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਸੁਣਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ। ਸਮਝ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਸੁਣਨੋਂ ਹਟ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਛੱਪੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਸਾਲ, ਦੋ ਸਾਲ, 12 ਸਾਲ ਉਹ ਸਾਧ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ। ਉਹ ਧੂਣੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਣਕਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅੱਗਿਓਂ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਭੇਖ 'ਚ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੱਟਾਂ ਰੱਖ ਸਵਾ ਮਲ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਬੜਾ। 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਹ ਮਿਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਹ ਮਿਲੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸੰਤ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਰ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ ਗਏ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਲ 'ਚ ਪਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਣੀ, ਆ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪਰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਲ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਠ ਸੁਣ ਲਵੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਭਾਈ ਪਾਠ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਮੁੱਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦ, ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖੋਂ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਸੇ ਕੰਨਾਂ ਲੱਲੇ ਕੰਨਾਂ ਸਾਲਾਹਣ, ਇਉਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗਲਤੀ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆਪਣੀ। ਸੁਣਿਆ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਣ ਮੰਦ, ਸਲਾਹਣ ਪਾਠ 99 ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ 100 ਚੋਂ। ਸੁਣਿਆ ਮੁੱਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦ, ਮੰਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਮੁੱਖੋਂ ਸਲਾਹੁਣੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਲਾਹੁਣੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਖੋਂ ਸਲਾਹੁਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਈ ਇਹ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਮੁੱਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਲਾਹੁਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਲਾਹੁਣਾ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਦੇ ਭਾਵ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਦੀ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਮੰਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਦੇ ਪੁਰਸ਼। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ